पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे नवे खेती कानून खेती का संकट और खेती के बदलवे मॉडल को लेकर एक सैमीनार का आयोजन किया गया। इस सैमीनार विच संयुक्त किसान मोर्चे के बलवीर सिंह राजेवाल जोगिंदर सिंह उगराहां तो अलावा बड़ी गिनती विच खेती के माहर पुजे। सैमीनार नूं संबोधन करदे आगुआं ने केंद्र सरकार वालों थोपे गए खेती के काले कानूनों नूं लैके चिंता प्रगटाउंदिआं कहा कि जेकर ये काले कानून रद्द ना होए तां इस दे बहुत ही गंभीर सिट्टे देश के लोगों नूं भुगतने पैणगे। तो इंपोर्टेंट गल यह है भी एक विद्यक अदारे ने सानू अज सैमीनार वास्ते सद्या खेती संकट वास्ते जिदे विच विद्यार्थी ने जिदे विच प्रोफेसर ने जिदे इकनोमी नाल जुड़े हुए लोग ने उन्होंने सानू सैमीनार वास्ते सद्या भी खेती संकट की आ ते खेती संकट का हल की आ। तुसीं तीन कानूनों बारे गए हो, तीन कानून की गल कहिंदे ने। वैसे भावें तां इन्हां नूं पता पढ़े लिखे लोग ने सारा कुछ पढ़ते हैं पर साडे मूहों यह गल्लां विद्यार्थी सुन जिहड़े विद्यार्थियों ने गांह भविख बनाउणा देश दा जिम्मेवारी चकनी है उन्होंने खेती सैक्टर के समस्यावान ने खेती सैक्टर समस्यावान दूर किमें होनगियाँ इतने बेरोजगारी क्यों है बेरोजगारी किड़े कारण करके है बेरोजगारी दूर क्यों होगी सरकार का साड़ी का नज़रिया की है वो साडे पक्ष का है कि साडा विरोधी है ये गल्लां ने जिहड़ियां सैमीनार दे विच सांझियां होणगियां ने उन्हां दी खास खातर सानू बुलाया है असीं उस खातर इत्थे आए। देखो अंदोलन तो तुसीं मीडिया नाल जुड़े हुए हो अंदोलन तो यह है भी अंदोलन कामयाब है हुण तक दा जिहड़ा अंदोलन है कामयाब है सिखरां तक छूए अंदोलन ने अपनी ताक जमाई है अंदोलन ने अपनी छाप जमाई है उहदी स्टेट्स बनी है तो दूजे मुल्कां दे विच भी बनी है दूजे मुल्कां नूं भी सोचण वास्ते मजबूर है जिहड़ा मॉडल यह लैके आए ने साम्राजी लोग जिहड़े वड्डियां विश्वभर संस्था वगैरह लैके आईआं ने नीतियां उन्हां नीतियां नूं कंडैम कर रही ने जिहड़े साम्राजी दे फार्मर ने जिहड़े दूजे मुल्कां दे अमेरिका कनेडा आस्ट्रेलिया वर्गे मुल्कां दे जिहड़े फार्मर ने वो भी यह नीतियां नूं भी कह रहे हैं भी MSP तां साडे भी होनी चाहीदी है। इस तरह देखदे तुसीं देखो इतिहास गवाह है अंदोलन चलते टाइम नाल जदों लड़न वाले लोग ने नाल गदार जमदे भी है नाल उहनां दे इहो जिहे लोग भी जमदे जिहड़े ढाह लाउण वास्ते जमदे हुण तुसीं देखो भगत सिंह नूं जदों फांसी लाई है अंग्रेजी हुकूमत ने लाई है पर जिहड़ा गवाह सी उह हिंदुस्तानी सी जिहड़ा वकील सी उह हिंदुस्तानी सी इस करके जो हूँ बाबा गुरु तेग बहादुर जी का शीस लिया जदों उदों हिंदुस्तान के लोग बिच सी इन्हां दे इस करके जदों कोई इधर जबर हुंदा है जां लड़दे लोग ने सच्ची गल ते लड़दे ने आपदियां नीतियां ते लड़दे ने उहदे विच उह सरकारां हुंदियां ने जिहड़ियां आपदे हथकंडे वरतदियां ने जिहड़े साडे लोकां नूं साडे खिलाफ़ वरतदे आने वाले टाइम की रणनीति रहेगी सर? बिल्कुल कायम ते लड़दे रहांगे जित के आवांगे। देखो जी अकैडमीशियनस ने स्टूडेंट्स ने रिसर्चरस ने यूनिवर्सिटी के सारे इतने इकट्ठे हुए है साढ़े अंदोलन दे विच की चल रहा उहदे बारे जानना चाहते हैं असी अपनी गल रखांगे लाजमी जदों अगे जाएगी विद्यार्थियां जाएगी फिर सारी दुनिया जाएगी इहदा लाभ अंदोलन नूं तां की है तो सारी सोसाइटी नूं इहदा लाभ पहुँचेगा। लखीमपुर घटना हुई है तो उस तो बाद एक अज फिर ट्रायल दे नाल कुछ दित्ता गया किसान महिलावां दे की कठोर लगे। देखो सरकार हमेशा ही डिस्टेबलाइज करने वास्ते अंदोलन कुछ ना कुछ करती रही है यह जी घिनौनियां हरकतों की निंदा ही की जा सकती है। डेमोक्रेसी च लोगों का अधिकार होंदा अंदोलन करना पीसफुल अंदोलन करना साडा अधिकार है पर सरकारां उन्हूं जदों हो राज हट हो जाए जो नशे जा जान ताकत दे फिर यह जी हरकत कर दी तो उत्थे उन्होंने बहुत माड़ा किया लखीमपुर खेड़ी उसकी जांच चल रही है जिहड़ा घोल है उन्होंने ढाल लाने के लिए सरकार कुछ चल लगातार चल रही ने तो अगली रणनीति की रहेगी कि होर किस तरह तिखा संघर्ष कर रही है। देखो वो सानू ना प्रवोक कर रहे हैं जी इसी वायलेंस वाल वधी असी नहीं बतांगे जी असी फेस करांगे उन्होंने और असी अंदोलन पीसफुल रख के जित के आवांगे। सर एक वैसे जी कुदरती आफत आई है गड़ेमारी हुई है किसानों जबकि बरूहों तो पहले ही डटे बैठे ने तो हूँ भी जो किसानों वाजिब मुल जो नहीं मिल रहा है हाले भी कोई गदावरी नहीं हुई की कहना चाहते बहुत बहुत सारे कारण ने एक तो सारा जो नेचर की छेड़छाड़ ने सारा सिस्टम बदल गया कुदरत का वो गड़ेमारी हुई है नुकसान एडा वड्डा होया जो नॉर्म्स ने तय किए हुए कंपनसेशन दे वो एज ओल्ड ने बहुत पुराने ने मुड़ के किसी ने उन्होंने रिव्यू ही नहीं किया 12,000 रुपया मैक्सीम पंजाब मिलता वो तो लेबर कॉस्ट भी नहीं पूरी होनी इस करके असी तो यह डिमांड की है भी जिन्ना नुकसान होया किसानों का इनू कौमी नुकसान मन के नैशनल लैवल का फंड होंगे नैचुरल कलैमिटीज़ फंड मुआवजा देना होंगे 100% कंपनसेट किया जाए जी। राज्यपाल साहब किसान अंदोलन उठाया बहुत लंबा संघर्ष किया गुराहा साहब जां होर कई तो गुरनाम चढ़ूनी जी हुण इलैक्शन की तैयारी कर रहे हैं 117 सीटा कहते हैं इलैक्शन पंजाब लड़ रहे हैं प्रचार भी शुरू हो गया उन्होंने की कहना चाहूँगे जी वो कल ही तुरे फिरते हैं उन्होंने नाल कोई नहीं कर रहे उन्होंने छापूरा
ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਘੁਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ